तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रिंस एंड यू आर वाचिंग अ न्यू रिपोर्ट ऑन रेसल रिपोर्टर। तो यार, आज के इस वीडियो में मेरे पास आप सभी के लिए चार बड़ी अपडेट्स हैं, जहां सबसे पहले हम बात करेंगे द मिस के रेसलमेनिया 34 मिस करने के बारे में। उसके बाद अपनी दूसरी अपडेट में हम बात करेंगे स्मैकडाउन लाइव के टैग टीम चैंपियंस द उसोस के नेक्स्ट अपोनेंट के बारे में। तीसरी अपडेट में हम सभी बात करेंगे सेथ रॉलिंस के इंजर्ड होने के बारे में। और फाइनली अपने लास्ट अपडेट में हम इस बारे में बात करेंगे कि कार्मेला से ड्रॉप किक खाने के बाद रेफरी का क्या रिएक्शन रहा। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं द मिस के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मिस की वाइफ मरीज अभी प्रेग्नेंट है, और ऐसा बताया जा रहा है कि मिस और मरीज के बेबी को आने में 6 अप्रैल का टाइम लग सकता है। और मिस ने ऐसा कहा था कि वो उस टाइम मरीज और अपने आने वाले बेबी के साथ होंगे। तो अगर मिस और मरीज के बेबी को आने में 2-1 दिन का लेट हो जाता है तो मिस कर देंगे रेसलमेनिया 34, क्योंकि रेसलमेनिया 34 का डेट 8 अप्रैल है। अब बात करते हैं स्मैकडाउन लाइव के टैग टीम चैंपियंस द उसोस के नेक्स्ट अपोनेंट के बारे में। तो जैसा कि आपने लास्ट स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड में देखा था कि जब द उसोस अपना प्रोमो कट करके जा रहे थे, तो उसी टाइम द बेल्जियन ब्रदर्स ने उन्हें इंटरप्ट किया था। तो अभी ऐसा बताया जा रहा है कि द उसोस के नेक्स्ट अपोनेंट द बेल्जियन ब्रदर्स ही होंगे। अब बात करते हैं सेथ रॉलिंस के इंजरी के बारे में। तो हम इसे इंजरी तो पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सेथ रॉलिंस कुछ बैक इश्यूज से सफर कर रहे हैं, यानी कि उनके पीठ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। फिलहाल इसका तो कुछ पता नहीं है कि सेथ रॉलिंस इसके चलते रेस्ट लेंगे या नहीं, पर ऐसा बताया जा रहा है कि वो इंजरी के साथ भी अपना काम चालू रखेंगे। जेसन जॉर्डन के बारे में भी बताया जा रहा है कि उनकी इंजरी अब सीरियस हो रही है। तो ऐसे में WWE क्या और कैसे मैनेज करती है वो तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। अब बात करते हैं अपने लास्ट अपडेट के बारे में कि कार्मेला से ड्रॉप किक खाने के बाद रेफरी का क्या रिएक्शन रहा। तो जैसा कि आप सभी ने लास्ट स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड में देखा था कि कार्मेला अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन करने की कोशिश करती हैं, पर वो गलती से रेफरी को ही ड्रॉप किक दे देती हैं। इसके बाद उस रेफरी ने अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट करके बताया कि मैं सभी के क्वेश्चन का जवाब देना चाहता हूं। लास्ट वीक स्मैकडाउन लाइव में जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद मेरा सर एप्रेन में जाके टकरा गया था, जिसके बाद मैं कुछ समय के लिए बेहोश हो गया था। पर अच्छी बात यह है कि मैंने WWE के सभी टेस्ट पास कर लिए हैं और मैं अपने काम के लिए पूरी तरह से ठीक हूँ। नेक्स्ट वीक से वापस मैं अपने काम पे लग जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये थी इस वीडियो में कुछ बड़ी अपडेट्स। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए। साथ ही आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ऐसे ही न्यूज़ और रूमर्स अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।